नमस्कार, मैं रजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक्शन प्रभावी हो गया है। यूपी में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर बढ़त बनाई। भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान फील गुड फैक्टर का शिकार होती दिखी। पहले से ही जीत का भरोसा लेकर चल रही भाजपा को यूपी की 80 में से बहस 33 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान बनी स्थिति को बदलने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश यादव अपने जीत के मोमेंटो को बरकरार रखना चाहते हैं। इस स्थिति में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी का राजनीतिक पारा जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। बयानों के बाद अब बुलडोजर से लेकर भेड़िया तक चल रहे हैं। दिल दिमाग तक की चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो सीएम योगी और अखिलेश यादव के कुछ बयान और उसके पलटवार समझिए। अखिलेश यादव का बयान, आम चुनाव बाद से सीएम न खुद चैन से सो रहे हैं और न ही अफसरों को सोने दे रहे हैं। भाजपा में जो चल रहा है उससे उनका बीपी बढ़ा हुआ है। सीएम योगी का पलटवार, कुछ लोग फिर सपने देखने लगे हैं, टीपू सुल्तान बनने चले हैं। पहले एक धारावाहिक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैसे ही सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान, सरकार ने जानबूझकर लोगों से बदला लेने और नीचा दिखाने के लिए बुलडोजर चलवाए, अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते। सीएम योगी का पलटवार, बुलडोजर चलाने के लिए क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा दोनों चाहिए। जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे वे बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव का बयान, सरकार ने जानबूझकर लोगों से बदला लेने और नीचा दिखाने के लिए बुलडोजर चलवाए, अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते। सीएम योगी का पलटवार, जैसे इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं, कुछ ऐसा ही उत्पात ये लोग 2017 के पहले मचा रहे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और आपका घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं कल बनानी ही पड़ेगी। देखा जाए तो अखिलेश यादव अक्सर बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते ही रहते हैं, लेकिन बात उस वक्त बढ़ गई जब सपा अध्यक्ष ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर चले जाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव को बुलडोजर पर इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक 1.5 लाख से अधिक घर ध्वस्त किए गए। इसमें 31% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के घर गिराए गए। फिलहाल अखिलेश यादव और सीएम योगी में बुलडोजर के नाम पर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसी बीच इस जंग में मायावती ने भी एंट्री ले ली है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को योगी सरकार से बुलडोजर की राजनीति बंद करने और मानव बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनाने को कहा। मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी नसीहत दी। मायावती ने कहा, यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे। सरकार को जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। बुलडोजर की राजनीति को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पार्टी के अंदर कई लोगों ने सीएम योगी और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी अपना दल निषाद पार्टी और सुभाष सपा भी खुलेआम बयानबाजी करते दिखाई दी। सीएम योगी के लिए बड़ा झटका है। भले ही ऊपर से पार्टी में फिलहाल सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन क्या वाकई सब ठीक है ये कहना मुश्किल है।
बस इसी बात का फायदा विपक्षी उठाते दिख रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ जहां यूपी में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, जहां एक तरफ लोगों की जाने जा रही है, वहीं अखिलेश यादव और सीएम योगी की अपनी अलग ही जंग चल रही है। वो लोगों के बारे में ना सोचकर राजनीति की बातें करने में लगे हैं। ऐसे में मायावती की एंट्री और उनकी नसीहत जनहित में लग रही है और सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों की बोलती बंद करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।